पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के गढ़ में किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, जिस पर कप्तान अजय सिंह यादव ने हुड्डा पर निशाना साधा है। साथ ही आज कुछ किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा को किसानों का लुटेरा बताया और आंदोलन का बहिष्कार किया। भूपेंद्र हुड्डा जी रेवाड़ी में अपना धरना प्रदर्शन के लिए किसानों का हितैषी साबित करने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हुड्डा साहब ने किसानों को रोज खरीद फरोख में बेचा है, किसानों के हितैषी कभी पैदा नहीं हुए। अपनी ताज़ा मानेसर की रिपोर्ट बताऊं आप लोगों को कि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर हमारी 400 एकड़ जमीन हड़प ली और उनकी मिली भगत से बिल्डरों को सौंप दी। इसका सबूत हमारे पास कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला हुआ है, CBI जांच कर रही है इसकी। हुड्डा साहब इस बात से कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो बौखलाते क्यों आकर के अपना हिसाब पत्रकारों के बीच में, TV माध्यम के बीच से हमारे साथ बात क्यों नहीं करते, उनका जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर किसानों की जमीन का 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिली भगत करके साबित कर दिया कि कितने में भी जमीन आए किसानों की जमीन हड़प कर बिल्डरों को बेच दी है। तो क्या आपको क्या रहेगा कल का जो यार कल का हमारा आप लोगों के माध्यम से और गांव के सभी गांव में जाकर जहां तक हमारी पार बसेगी, हम ये कहेंगे भैया किसानों के हितैषी हम किसान खुद हो सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा हमारा किसानों का हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकता, नेवर, कभी भी नहीं हो। तो वहां जाएंगे रोज, बिल्कुल रोज प्रकट करेंगे, गांव में जाकर संदेश देंगे और हमें जहाँ मिलेगा हम उनको काला झंडा भी दिखाएंगे, भैया आप लोग हमारे बीच में ना आए, किसानों के हितैषी आप लोग नहीं है, आप लोग एक प्रकार से चोर है, चोर। देखिए जब देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून 1 जनवरी से लागू हो रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 31 दिसंबर को जमीन अधिग्रहण के नोटिस जारी कर दिए किसानों के जमीन हड़पने के लिए। अगर वो किसान हितैषी होते तो नए भूमि अधिग्रहण कानून की इंतजार करते, 31 दिसंबर को ही तो नोटिस जारी किए। गुड़गांव में किसानों की जमीन हड़पने के लिए सेक्शन 4, 6, 9 करे और फिर अपने आदमियों से जमीन खरीदवा दी, फिर रिलीज कर दी, ये लूटने का काम किसानों ने किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गुड़गांव में एक साथ मास्टर प्लान 2021 लाए, 2025 लाए, फिर 2031 लाए, इतने CLU बांट दिए अपनी जेब भरने के लिए, किसानों की जमीन लूटने के लिए। आज वो कहते हैं कि मैं किसान का हितैषी हूँ। देखिए चौधरी छोटू राम ने एक बात कही, तेरे भोले किसान बोलना सीख ले और अपने दुश्मन को पहचान ले। किसानों ने आज बोलना भी सीख लिया है और अपने दुश्मन को भी पहचान लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। किसानों की सबसे ज्यादा जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लूटी और हम किसान भाई हमारे अपने भाई हैं, इसलिए हम अपने भाइयों से प्रार्थना करते हैं अगर हमें कोई मांग मांगनी है तो हम खुद मांगेंगे सरकार से। हम इन चोरों के साथ अपनी मांग साझा नहीं करेंगे। ये धरने प्रदर्शन पर बैठा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के अपने चोरी करने के लिए यहाँ आएंगे और लूट के हमें चले जाएंगे। इन्होंने पीछे रोहतक जलवाया, अब रिवाड़ी को जलवाने के लिए आ रहे हैं। मेरी प्रशासन और सरकार से प्रार्थना है कि इसको रिवाड़ी में नहीं घुसने दिया जाए। ये किसान थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, ये तो एक निजी प्रोग्राम है, भारतीय किसान यूनियन का प्रोग्राम थोड़ी है। दूसरी बात ये, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि श्रीमान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को किसानों की सुध लेने आगे रेवाड़ी। आपको याद होगा कि आसरवास के अंदर किसानों पर गोलियाँ चलाई गई थी, मानेसर में किसान आंदोलन हुआ, बावल में किसान आंदोलन हुआ, उसमें चिरंजीव राव जो है उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हमारी सरकार होते हुए और धरना पे उनके साथ जाके किसानों में बैठा। वक्त तो वो था, अब अच्छी कम से कम उनको किसानों की सुध आ गई है। आप जानते हो दान सिंह की फितरत क्या है, दान सिंह की, दान सिंह क्या काम करा करता था जी। ये जो काला का में जो जमीन ली थी इसकी CLU का जो सारा श्रेय है वो दान सिंह को जाता है, CLU कराई बड़े बड़े बिल्डर्स की, उनका तो काम ही यही था CLU कराना। अब वो किसान एक किसान हितैषी बन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब रुपये तो आपको पता है राहुल नरेंद्र के खिलाफ भी जो है CD बनी हुई है और इसके खिलाफ भी जो है मुकदमा, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है CLU के नाम का। वो लोग यहाँ किसान हितैषी बन रहे हैं तो अच्छी बात है।
अगर भारतीय किसान यूनियन मुझे अगर धरना रखती है उनके पहले तले होता तो मैं जरूर जाता, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसकी जो है उसको मुख्य अतिथि बनाए और वो किसान हितैषी रेवाड़ी के लोगों का बताए, ये मेरे गले नहीं उतर रहा। किसान हितैषी नहीं है, गले नहीं उतर रहा मेरे। सुनो मेरी बात, ऐसा है भैया, ये आरोप लगाना तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, इस हरियाणा के अंदर ना इस CLU को ऐसा कर दिया गया कि जैसे कोई क्रिमिनल हो। CLU मैं बताता हूँ आपको, CLU बेसिकली क्या, चेंज ऑफ लैंड यूज है। आप एग्रीकल्चर लैंड से स्कूल भी बनाएंगे तो CLU कराएंगे, आप एग्रीकल्चर लैंड से किसी दूसरे यानी शोरूम खोलेंगे तो भी CLU कराएंगे, आप हॉस्पिटल खोलेंगे तो भी CLU कराएंगे। CLU इज ए चेंज ऑफ लैंड, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई गलत काम कर दिया। क्या मतलब ये माने के चलो कि अभी CLU है, आज नहीं हो रहे क्या? आज भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं भाई ये CLU कराया तो ये गलत कराया, ऐसा कुछ नहीं। और ये व्यक्तिगत विचार है, मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं जाना चाहता। हमारा मकसद किसान आंदोलन से है, किसानों की समस्या है। राहुल जी वहाँ मंदसौर गए थे, किस लिए गए थे? पूरे देश में